Assalamu alaikum. Uh, hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to begin the fourth class in the drama and page number 214 and third paragraph. Right? On page 214, the drama progress. So, here Mrs. Meldon says that, but that would mean everybody, men and women and children. मतलब जब आपका ये बम इतना ख़तरनाक है कि ये लोगों के जिस्मों को गला सड़ा करेगा और सब के सब मार डालेंगे तो मिसेज मिल्डन उनको कहती है कि बट डेट हुड मीन लेकिन इसका मतलब ये होगा एवरी बर्डी के ये हर एक बंदे को ख़त्म कर देगा मेन मर्द भी होंगे एंड और औरतें भी होंगे एंड चिल्ड्रन और बच्चों को भी ये ख़त्म कर देगा तो कुरी जवाब देता है ओ येस ओ हाँ आफ्टर नावर्डेज दियर इज नो लॉजिकल डिस्टेंशन बिटवीन अविलियन एंड अ सोल्जर आफ्टर आल बहरहाल नावर्डेज दियर इज नो लॉजिकल डिस्टेंक्शन आज कल कोई मक़ूल फ़र्क नहीं है बिटवीन अ सविलियन एंड अ सोल्जर एक शहरी और एक फौजी के दरमियान कोई मक़ूल फ़र्क नहीं है व्हाट्स द डेफरेंस बिटवीन द गर्ल हो मेक्स म्यू म्यूनीशन एंड द मैन हो यूज देम एंड दें यानी उस लड़की में और उस आदमी में कौन सा फर्क है जो हथियारों को बना देती है और जो इसे मोरचों में इस्तेमाल करती है व्हाट्स द डेफरेंस क्या परक है बिटवीन द गर्ल उस लड़की के दरमियान हु मेक्स म्यूनिशन जो हथियारों को बनाते हैं जंगी साजो सामानों को बना सामान को बनाते हैं एंड द मैन और इस आदमी के दरमियान हु यूज़ दैम एंड देंचेज जो इन पौजी साजो सामान और हथियारों को मोर्चों में इस्तेमाल करते हैं ख़ंदों में इस्तेमाल करते हैं यू you नो know, तुम जानते हो शारलेट इट्स टेरफिक थाट टू थिंक ये सोचना एक खौफनाक सोच है एट्स टेरफिक थाट ये एक खौफनाक सोच है टो तो थिंक के सोच लें दैट आई कैन सेट एट दिस टेबल कि मैं इस टेबल पर बैठ सकता हू. विद अ वार्मीला एक फार्मूले के साथ रिटर्न आउट ऑन दो शीट्स ऑफ पेपर जो मैंने इन कागज़ के शीटों पर ये फार्मूले लिख लिए हैं विच विल एनेबल टू गो ऑफ टू द ईयर जो चंद लोगों को इस काबिल बना देंगे कि वह ऊपर हवा में जाए जहाज के जरिए से एंड वाइप आउट द होल सिटी और सारे शहर को महवा करें ख़त्म करे ने नाबूद करें मिटा दें एंड आम द ओनली मैन इन द वर्ल्ड हु नोज हाउ टू डू इट और मैं सारे दुनिया में वाद इंसान हो जो ये जानता है कि ऐसा कैसे किया जाए ये काम कैसे किया जाए सो so, मिस मिल्टन उसे जवाब देती है ऑन्ट दियर मेन लाइक यू इन अदर कंट्रीज यूजिंग दियर ब्रेंस फॉर द सेम पर्पज़ क्या दूसरे ममालिक में आपकी तरह लोग नहीं हैं जो इसी ही मकसद के लिए अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हो तो पूरी जवाब देता है ये YES, हाँ है बट आई डोंट इमेजन एनी वन विल डिस्कवर सो फॉरफुल अवे फन एज दिस लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि कोई भी आदमी इतना ताक़तवर हथियार ईजाद करेंगे जितना ये है ये बहुत ज़्यादा ताक़तवर है ये जो मेरा फार्मूला है एफ आई हैड मेड दिस डिस्कवरी इन नाइनटीन पोल्टीन अगर मैं इस ईजाद को इस दरियाफ्त को उन्नीस सौ चौदह में करते दुड हैव बीन ओवर बिफोर द एंड ऑफ दैट यर तो जंग उसी ही साल के आखिर से पहले ही ख़त्म हो चुके होते और पाँच साल जारी न रह जाते मतलब एंड देर प्रावली बी एनी जर्मन लेफ्ट नाउ और गालिबन कोई भी जर्मन वाला आदमी अब बाकी न बच जाता दे वुड बी एन एक्सटिंग रेस और वह एक मादूम कौम होती यानी जर्मन वाले एक मदूम कौम होती तो मिसेज मिल्डन उन्हें जवाब देती हैं पर हेप्स एन एनिमी ऑफ दिस कंट्री माइट मेक सेमिलर डिस्कवरी शायद इस मुल्क का कोई दुश्मन इसी किस्म की दरियाफ्त कर लें हेनरी एंड यूज इट ऑन अस और इसे हम पर इस्तेमाल करें तो फिर हम भी नैसो नबू हो जाएंगे अपने भाई से कह देता है तो कोरी जवाब देता है विल हैव टू दैट हमें इस ख़तरे को मोल लेना पड़ेगा वी विल हैव टू टेक वी विल हैव टू टेक द रेस्क डेट इसका ख़तरा तो हमें मोल लेना पड़ेगा एनी हाँ माई डिस्कवरी विल बी अवेलेबल मेरा दरियाब जो है ये अवेलेबल होगा दस्याब होगा टू और पीपल हमारे मुल्क या हम वतन लोगों के लिए एंड एफ कम डमलॉंग और अगर एक जंग शुरू हो गई वी ओनली गॉड टू गेट और बम ड्रॉप्ड ऑन दैम बिफोर दे गेट्स दियर दियर्ज़ ड्रॉफ आन अस लेकिन हाल अगर जंग शुरू हो गई तो मेरे ईजाद तो मौजूद होगा और हमें उन दुश्मनों पर अपने बम गिराना होगा इससे पहले कि वो हम पर अपने बम गिरा दे एंड द्रेक डन और इस तरह ये तरीका इस्तेमाल होगा और करतब हो जाएगी और उनको शिकस्त हो जाएगी तो मिसिज मिल्डन उन्हें जवाब देती है आई सपोज इट वॉज यू हु इन्वेंटेड द काइंड ऑफ शेल द डिस्ट्राई एडी मेरा ख्याल है कि वह भी आपकी तरह एक शख्स था जिन्होंने इसी ही बम को ईजाद किया जिसने मेरे एडी को कत्ल कर दिया ये बम भी किसी ने ईजाद किया था और वह भी आपकी तरह एक आदमी है आदमी होता डेट ऑब लिटरेट हेम जिन्होंने उसको मिठा दिया नेस्त नबूद कर दिया मेरे बेटे एडी को तो कोरी कहता है राइजिंग एंड पेटिंग हर ऑन अंद शर उठता है और उनको थपकी देता है उनके कंधों पर अपनी बहन की कंधों पर जरा थपकी देती है नाव नाव डोंट गो बैक टू डेट सब्जेक्ट शारलेट शार्लेट अब इसी मौजू की तरफ वापस न जाओ खम ओवर एंड खम ओवर हीयर बाई द फायर यहाँ आग के करीब आ जाओ एंड ट्राई टू टेक अ मोर चेयरफुल व्यू अप लाइफ और कोशिश कर लो कि ज़िंदगी का एक ज़्यादा खुशगवार मंज़र या पहलू ले लो यानी ज़िंदगी को ज़्यादा खुशगवार अंदाज में ले लो ज़िंदगी को खुशकुन अंदाज में ले लो एंड ठेक अ मोर चेयरफुल व्यू और ज़्यादा खुशगवार या ज्याद ज़्यादा खुशकुन मंजर ले लो पहलू ले लो अप लाइफ जिंदगी के तो मिसेस मेल्डन जवाब देते हैं चीयरफुल व्यू खुशगवार मंजर या खुशगवार पहलू में ज़िंदगी से ले लो माय डियर हेनरी मेरे प्यारे हेनरी आई सम टाइम वंडर वेदर इंस्पायर्ट ऑफ योर क्लेवरनेस यू ऑनट रियली दुपडेस्ट मैन ऑन अर्थ बाज तो मैं हैरान हो जाती हो सोचती हो वेदर इंस्पाइट ऑफ योर क्लेवरनेस के आपके होशियारी के बावजूद यू आंट रियली द मैन ऑन द दर्थ क्या तुम इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी नहीं हो स्टोपेडेस्ट मीन डिग्री हैज़ बीन यूज्ड कि आप सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी नहीं हो रही ओ खम ओ आ जाओ मतलब जरा परेशान होता है ओ खम छोड़ दो मतलब इन बातों को मिसेज मेल्डन उन्हें जवाब देती है कि आम नॉट क्लेवर मैं तो ज़्यादा होशियार नहीं हो इट सीम्स ऑड ये मुझे अजीब दिखाई देती है दैट आई शुड बी योर सिस्टर के मैं आपकी बहन हो आपकी बहन होना मुझे अजीब दिखाई देती है अ क्वाइट ऑर्डिनरी कॉमन प्लेस वामन मैं एक बिल्कुल आम और सादा औरत हो वेद नथिंग इन माई लाइफ मेरे जिंदगी में मेरे साथ कुछ भी नहीं है बट माई लव फॉर माई हस्बेंड एंड फॉर माई सन लेकिन मेरे लिए मेरे बेटे और मेरे शोहर की मोहब्बत ज़िंदगी में मौजूद है बट वेन आई हियर यू टेलिंग मी टू ट्रॉड स्टेटमेंट लाइक व्यू लेकिन जब मैं आपसे ये सुनता हूँ जब आप मुझे ये कहते हैं कि आप एक uh, वसी वसी नजरी और मुदबराना नजरिया इख्तियार कर लो आप माय सन बीइंग ब्लोन एंड टू अपने बेटे के बारे में जो टुकड़े टुकड़े हो गए टुकड़ो टुकड़ों में उड़ गया बीइंग ब्लोन जो उड़ गया टू तु पीसेस टुकड़ों में आई बिगेन टू थिंक तो मैं ये सोचना शुरू कर देता हूँ दैट यू आर अ फूल कि तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो हैंनरी जस्ट अ डल अनएमेजिनेट ब्लडलेस फूल तुम एक तखयल से महरूम अन इमेजनेट मीन जिसमें तखयलात न हो और ब्लडलेस मीन िम बेवकूफ आदमी हो एंड वेन यू आस्क टू रिजाइस और जब आप मुझे ये पूछती है कि आप खुश रहो खुशी से ज़िंदगी गुजार लो बिकॉज यू हैव इन्वेंटेड अ बम क्योंकि आपने एक बम ईजाद किया है दट विल डिस्ट्राई द होल सिटी इन अ फ्यू मिनट जो सारे शहर को छंद मिनटों में तबाह कर देंगे इस पर आप खुश हो जाओ आप जब मुझे ये बात कहती है तो आई थिंक यू आर यू आर मेड विकडली हॉरेबली मेड तो मैं सोचता हूँ कि तुम पागल हो विकडली मीन uh, रजील हो और हॉरिबली मेड हॉरीबली खोफनाक तौर पर आप जुनूनी हो गए हो देवाना हो गए हो जब ये बातें मुझे करते हैं श, कहता है कि माय डियर शार्लेट मेरे प्यारे शार्लेट सो मिसेस मिल्डन पे अपने बात जारी रखती है वन मोमेंट हैरी हेनरी, हेनरी एक लम्हा मेरे बात सुन लो आई वांट यू टू ट्राई टू रियलाइज मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़रा ये महसूस करना शुरू कर लो ये महसूस करने की कोशिश कर लो माई पॉइंट ऑफ व्यू मेरे नुत नज़र को महसूस करने की कोशिश कर लो द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ़ एन आर्डिनरी वामन एक आम औरत की नुत नज़र को महसूस करने की कोशिश कर लो विदाउट एनी पीटेंशन बग़ैर किसी बनावट के बग़ैर किसी दिखावे के मैं आपको कहते हैं कि आप ये ये ज़रा महसूस कर लो थिंक अप एडी एज आई थिंक अप हिम आप जरा एडी के बारे में इसी तरह सोचो जैसे मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मतलब आ, मैं कैसे वसी नुक़ नजर शो कर लूँ करी दट एजेंट गुड फॉर यू ये बातें आपके लिए अच्छे नहीं हैं। ऐसे बातें ना कर लो ऐट्स एजेंट गुड फॉर यू तो मिसेज मिल्डन उन्हें जवाब देती है ओ येस इट इज़ ये मेरे लिए अच्छे है आई गो बैक नाउ टू वेरी बिगिनिंग अब मैं बहुत आगाज़ की तरफ जाती हूँ मतलब शादी से पहले वाले दौर और शादी के बाद और बेटी पैदा नहीं हुई थी वही बातें जब मैं उस बेद शोरों को अगर जाओ एंड आई थिंक एंड मी और अगर मैं ठाम और अपने बारे में ज़रा सोच लो कि जब शादी हुई तो हमारे कैसे ज़िंदगी गुजरी वेरी यंग एंड पुलिश हम बहुत नौजवान और अहमक भी थे आई सपोज मेरा ख़्याल है बट वेरी हैप्पी लेकिन हमारा ज़िंदगी उस वक्त बहुत खुश थी टू व्यू वर्ट वेरी हैप्पी टू हैंनरी हैंनरी हमारे ज़िंदगी बहुत खुश भी थी एंड और क्वीर फ्लेजर एंड प्राइट्स वेन वी न्यू देट एडी वॉज कमिंग और हमारा अजीब खुशी और खौब भी जब हमें पता चला कि एडी आने वाला है मतलब पैदा होने वाली है वाला है एंड आई थिंक टू अप माई सेल्फ समट और मैं अपने बारे में भी सोचती थी बाद रात के वक्त भी सोचती थी अवेक रात के वक्त मैं जागती थी और जाग कर फिर सोचना शुरू कर दे, देती थी वेदर टॉम लेंग स्लीप बिसाइड मी जब टॉम मेरे करीब वो सो रहे थे तो मैं उठ कर ये सोच रही थी एंड हाउ आई थाट अबाउट द लिटल चाइल्ड आई वॉज गोइंग टू बियर हैम और कैसे मैं इस छोटे बच्चे के बारे में भी मैं जो सोच रही थी जो मैं पैदा करने वाली थी तो इस लड़के के बारे में भी मैं सोच रही थी एडी के बारे में उसके पैदाइश से पहले भी मैं रातों के वक्त सोच रही थी एंड हाउ आई लाउड एट्स एंड लाउड हेम फॉर बींग इट्स फादर और मैं इस एडी से कितना प्यार करता था और इसके लाउड हेम हेम ठाम की तरफ इशारा है ठाम से कितना प्यार करता था क्योंकि वो इस एडी का वालिद था तो मैं इन दोनों से कितना प्यार करता था मुझे वही वक्त याद आती है एंड हाउ श्योर आई वॉज़ दैट इट वुड बी अ बॉय और मुझे कितना यकीन था उस वक्त कि मेरा बच्चा पैदा होगा ये लड़का होगा आई वॉज प्राइट एंड टू मैं ख़ूब भी बी थी आ, उसी वक़्त मैं ख़ूब भी बी थी सम टाइम अवकात में ख़ूब भी बी रहती थी जब एडी पैदा नहीं होता हुआ था बिकॉज आई थाट आई माई डाई क्योंकि मैं ये सोचता था कि शायद मैं मर जाऊँ, एडी के पैदाइश में मैं मर जाऊँ एंड नेवर नो सन और अपना बेटा कभी भी ना जान लो ना देख लो हु नो नॉलेज ऑफ मी जो फिर बढ़ जाएगी और उसे मेरे बारे में कुछ भी इलम नहीं होगी तो मैं यही सोच रही थी उनके बारे में उस वक्त से भी एंड देन ही वॉज बॉर्न और फिर वह पैदा हुआ सच a डियर लिटल क्लचिंग चाइल्ड इतना डियर प्यारा और छोटा और दिलकश बच्चा था सोटेरेबली डिपेंडेंट ऑन मी और वो मुझ पर बहुत ज़्यादा इहिसार करता था जब बच्चा था टाम वाज वेरी प्लीज एंड प्राउड टॉम मतलब उसका वालिद जो था वो भी बहुत खुश और पखर करता था उस पर बट नेवर सो प्लीज एज एंड प्राउड एज आई वाज लेकिन वो कभी भी इतना खुश और इतना मगरूर नहीं था जितना मैं था इस एडी के पैदाइश पर या एडी पर वी बोथ वॉचड हेम ग्रो हम दोनों ने उसको बढ़ते हुए देखा बढ़ते या फलते हुए देखा उसको जिंदगी को देख लिया यू नो हाउ हैंडसम ही वॉज और आपको वो अब आप तो जानते हैं कि वो कितना खूबसूरत था ये एडी में उनको कैसे बोल भूल जाओ तो कुरी जवाब देता है ये सही वॉज अ गुड लुकिंग बॉय हाँ वो हो एक दिलकश लड़का था अच्छा खूबसूरत लड़का था लेड ही वॉज अ गुड लुकिंग लेड लड़का था तो मिसेज मिल्डन फिर कहती है एंड वी मेड प्लेन्स फॉर हिम और हमने उनके लिए मनसूबा बंद बनाए कि उन्हें क्या क्या करना होगा तालीम वगैरह के बारे में ही वॉज टू बी ग्रेट एंड लाइक पीपल डेड लाइक हिम उन ही वॉज टू बी ग्रेट उन्हें एक बड़ा आदमी बनना था एंड लाइक पीपल डेड लाइक हिम और ज़्यादातर लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया हमारे जैसे हम नज़र या हम जहन लोगों ने उसको बहुत पसंद किया इवन यू लाइकड तक कि तुमने भी उनको बहुत पसंद किया Henry, क्या तुमने उसे पसंद नहीं किया तो कोरी जवाब देता है, येस आई आई लाइकड हेम हाँ मैंने उसको पसंद किया ही वॉज एन अट्रैक्टिव बॉय वो एक दिलकश लड़का था बट डोंट यू थिंक लेकिन क्या आप ये नहीं सोचते तो इसी दौरान मैसेज मिल्डन फिर बात शुरू करती हैं एंड देन ही वॉज एल और फिर एक वक्त आ, में वो बीमार पड़ गया यू रिम्बर हाउ वी ऑल थाट आपको पता है कि हम सब कितने फिक्रमंद थे दैट ही वुड डाई कि वह मर जाएगी इस बीमारी में क्योंकि उनकी बीमारी भी खतरनाक थी एंड ठाम पुअर हु नेवर कुड एक्सप्रेस हेम सेल्फ वेरी एप्टली और टॉम बेचारा टॉम जो अपने आप को सही अंदाज में आ, बयान भी नहीं कर सकता था अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता था उसके बीमारी की वजह से वेंट अबाउट एज वर, वर स्टंड वो ऐसा हो गया कि वह हिरज़दा है या आ, चकरा गया है या वह बिल्कुल स्टंड हो गया है मतलब जो बिल्कुल बात नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से आई can आई can't tell यू वांट आई थाट आई कैन टेल यू आई कैन ठेल यू मैं आपको नहीं बता सकता हो वट आई थाट दैन क्या इसी वक्त मैंने क्या सोचा जब वह बीमार था हेनरी मैं आपको बता नहीं सकता हो क्या इसी वक्त मैंने क्या सोचा आई जस्ट कैन ठेल यू बट ओह मैं आपको बता भी नहीं सकता वही एहसास आ, वो लेकिन वो किया थे मेरे साथ आई प्रेड फॉर हिम हैंनरी मैंने उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ किया हैंनरी प्रेड फॉर हिम सो देट माई होल माइंड वाज अ प्रेयर इतना ज़्यादा दुआ किया कि मेरा सारा जहन दुआ ही दुआ था उनके लिए ल ही गॉट बेटर अच्छा वो सेहतियाब हो गया बेहतर हो गया एंड सीम टू ग्रो स्ट्रांगर और ऐसा दिखाई देने लगा कि वो मजबूत और ताक़तवर uh, होता जा रहा है ये मतलब वो बेहतर हो गया एंड एट स्कूल ही डेड वेरी वेल और स्कूल में भी उसने बहुत अच्छे कारकरी दिखाया आई कैन सी नाउ द फर्स्ट टाइम ही प्लेड इन क्रिकेट मैच अभी मैं पहली दफ़ा ये देख सकता हो कि पहली दफ़ा वो जब उसने वो क्रिकेट मैच खेला वो मंजर मेरे आंखों के सामने है वेरी प्लीज वेज ब्लेजर और वह अपने रंगीन जैकेट या या रंगीन यूनिफॉर्म में बहुत खुश था वेरी प्लीज था एंड हाउ एक्साइटेड ही वॉज वेन ही कम टू टेल मी दैट ही हैड मेड टेन रन और वो कितना पुरजोश था जब मैच के बाद वो मेरे पास आया और मुझे बताया कि मैंने दस रन स्कोर किया तो कितना पुरजोश था टेन रन ही मेड उसने दस रन स्कोर किया माई लिटल सन मेरे प्यारे बैठे ने मेरे छोटे मासूम बैठे ने इन फर्स्ट क्रिकेट मैच अपने क्रिकेट मैच में उसने दस रन किया ऑल द अदर बॉयज of हिज एज वर वेरी रिस्पेक्टफुल टू हिम उसके हम उम्र तमाम दूसरे लड़के भी उनकी बहुत कदर करते थे एंड आई वाज सो ग्लेड वन ही लेट मी वाक अबाउट वेम और मैं बहुत ज़्यादा खुश होता था जब वो मुझे अपने साथ चलने देता जस्ट एप ही हेड एंड हेड अट्राइम्प बिल्कुल ऐसा कि उनको पता नहीं नसीब होता था मेरे बग़ैर एंड ठॉम वाज प्राइडफुली प्लीज टू और ठाम भी बेहद खुश था प्राउडपुली मीन खोफनाक हद तक तो खुश इस बात पर एंड गिव हम आ, आ, सोरेन और उनको एक सोने का सिक्का भी देता अटाम उनको ही ठियर हर ठियर ओवर कम हर उनकी आंखों ने उनको मगलूब किया मतलब उन, सॉरी उनकी आंसू ने उनको मगलूब किया आंसू उन पर गालिब आ गई ये बातें करते हुए मिसेज मिल्टन पर आंसू गालिब आ गई एंड शी रेजेज हर हैंड टू हर लेप्स और उन्होंने अपने हाथों को अपने ओन होंटों तक उठाया एन एजेस्टर एक इशारे में गम की गम की वजह से उन्होंने अपने हाथों को अपने होंटों तक उठाया ताकि उनका रोना वगैरह देख न जा सके तो कुरी जवाब देता है दिस इज डिस्ट्रेसिंग यू माई डियर मेरे प्यारी बहन ये बातें आपको परेशान कर देती है डोंट टाक अबाउट हेट एनी मोर इन्हीं बातों के बारे में मज़ीद ऐसे बातें न कर लो तो मिसिज मिल्टन ने जवाब दिया रिकवरिंग हर सेल्फ अपने आप को संभालते हुए ही हिडेंट बीन टू ऑक्सफोर्ड लॉन्ग वो ऑक्सफर्ड में उसका ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था लॉन्ग बीन का प्यर्सा उसने नहीं गुजारा था वेन दार बिगेन जब ये जंग शुरू हो गई एंड देन ही वेंट ऑफ एन एनलिस्टेड और फिर वो हो गया और इसमें शामिल हो गया यानी फौजियों में शामिल हो गया फ़ौज में शामिल हो गया We didn't know whether to be proud of him or to be angry with him। हम नहीं जानते थे कि इस फौज में शामिल होने पर पखर कर ले या उनको गुस्सा हो जाए क्योंकि जंग भी शुरू हुआ था बट चीपली वी वर प्राउड लेकिन ख़ास तौर पर हम पखर करते थे उन पर आई लव हिम इन हिज क्लमजी यूनिफाम मैं उनको उनके बेडंग यूनिफाम में बहुत प्यार करता था बद से यूनिफाम जो पहनते थे सिपाहियों के तो इनमें मैं उसको से बहुत प्यार करता था एंड हिज ग्रेट रब बूट्स और उनके बड़े बड़े सादा या खुरदरे बूटों में भी मैं उनसे बहुत प्यार करता था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था इसमें जस्ट एज मच एज आई लवड हेम लेटर ऑन ऑफिसर यूनिफाम बिल्कुल शुरू में मैं उसे इतना पसंद करता था जितना उसे जितना बाद में मैंने उसको ऑफिसर वाले यूनिफॉर्म में पसंद किया तो दोनों हालतों में वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था यूनिफॉर्म में एंड वेन ही वेंट ऑफ टू प्रेंस और जब वो फ्रांस को गया ट्राइड टू बी वर्दी ऑफ माई सन एंड नाट टू क्राई या ट्राइड टू बी वर्दी ऑफ माई सन और मैं आ, कोशिश करता था कि ट्राइड और उसने कोशिश किया टू बी वर्दी ऑफ माई सन के वो मेरा एक परमान बरदार बेटा है मेरा एक अच्छा बेटा है एंड नाट टू क्राई और मैंने कोशिश किया कि मैं न रो क्राई न कर लो रोना दोना न कर लो एट प्राइटफुली हॉर्ड एट प्राइटफुली हॉर्ड और टू तो स्माइल इसी वक्त में मेरे लिए मुस्कुराना खोफनाक हद तक मुश्किल थी क्योंकि वो फ्रांस को जा रहा था मतलब मौत के मुँह की तरफ जा रहा था फ्रांस का पहला अजीम में नरी बट आई डेट स्माइल लेकिन फिर भी जब वो जा रहा था तो मैंने उसको मुस्कुराहट किया मैं मुस्कराई जरा आई फेल्ट मैंने महसूस किया दट वॉज वट एडी वुड वेश मी टू टू स्माइल के एडी uh, मुझसे ये ख्वाहिश कर लेगी कि मैं ऐसा कर लो टू डू कि मैं उनको मुस्करा जाओ अगरची ये मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा खौफनाक थी मुश्किल थी मेरे लिए नाट टू शेम हिम बिफोर द नाट टू शेम हेम बिफोर द अदर पीपल क्योंकि ताकि मैं उनको शर्मीला न कर लो दूसरे लोगों के सामने के आपकी माँ में हो हुबुलवतनी नहीं है और वो रो रही थी जब आप जंग के लिए जा रही थी लेकिन ये तो मतलब ताकि दूसरे लोगों के सामने मैं उनको शर्मीला न कर लो ये भी बहादुरी की एक कस्म है कि मुल्क के लिए अपने बेटे की जान देने के लिए मैं तैयार हूँ मतलब यही है एंड सो आई स्मायल्ड और इस तरह मैं मुस्कराई एंड मेड लिटल सेली जोक और मैंने थोड़ा सा अहमखाना मजाक भी किया अबाउट द फर ऑफ द जर्मन जर्मन वालों के खौफ के बारे में क्या वो बहुत खौफजदा और बुजदिल कौम है वन दे हर्ड आप जब वो इनकी आमद एडी की आमद के बारे में सुन लेंगे तो जर्मन वाले मैंने उनके पीछे एक मजाक भी किया बट आई वॉज एन टेरर लेकिन मैं खौफ में थी हैंनरी हैंनरी में बहुत ज्यादा खौफ में थी एंड ऑल द टाइम दट ही वॉज अवे आई वॉज एंड ठेर और वो तमाम अवत जब वो घर से दूर था तो मैं बहुत ज़्यादा खौफ में थी उसके बारे में दाइट ऑफ द टेलीग्राफ मैसेंजर मेड माई हार्ट सिंक जब मैं टेलीग्राफ uh, के टेलीग्राफ वाला पैगाम पे रसान जो टेली पिछले उसी दौर में तो मोबाइल और एयरटेल फ़ोन नहीं थे टेलीग्राफ के ज़रिए से पैगाम आते थे तो तो साइट उनका मंजर देखते हुए मेरा दिल डूब जाता था कि अभी कहे वो मुझे ये न कहे कि एडी मर गया है तो इसी वजह से द साइट ऑफ द टेलीग्राफ मैसेंजर टेलीग्राफ के पैगाम लाने वाले की मंजर मेड माय हार्ट सेंग किससे मेरा दिल डूब हो जाता था एंड देन ही कम होम और फिर वह घर आया एडी कुछ दिनों के बाद घर आया फ्रांस से अनहस्टली वो अपने पहले छुट्टी पर उन्हें छुट्टी मिल गई और वह घर आया एंड माई लिटल सन वजेंट माई लिटल सन एनी मोर और मेरा छोटा बेटा अब छोटा नहीं था बट स्ट्रांगली ग्रोन मैन लेकिन स्ट्रांगली ग्रोन मैन लेकिन मैं मजबूत और तवाना बड़ा इंसान था बड़ा आदमी था यंग टू लुक इट्स देखने में तो नौजवान दिखाई देता था बट पुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज लेकिन गैरमूली इलम से भरा हुआ था उन्होंने काफ़ी कुछ सीख दिया था आई फेल्ट शाही विद हेम मैं उनके साथ शर्मिलापन महसूस करती थी हीड सीन सो मच एंड न्यू सो मच उन्होंने काफ़ी इतना ज़्यादा चीज़ें देख गई थी सारी दुनिया देख गई थी और न्यू जान भी गई थी बहुत ज़्यादा एंड देन आई थिंक और फिर मैंने सोचा आई फेल्ट प्राउड ऑफ हिम देन ईवर बिफोर के मैं मैं इस पर पहले की बन ज़्यादा मकर तर थी और भी ज़्यादा मैं तकबर करती थी उस पर बिकॉज ही वॉज़ अ मैन क्योंकि वो एक वह एक आदमी था एंड आई कुपेंड अपान हेम और मैं इन पर इहसार कर सकता था मैं इन पर भरोसा कर सकता था वी आर वेरी हैप्पी ड्यूरिंग दैट लिव इस छुट्टी के दौरान हम बहुत खुश थे जब एडी छुट्टी पर थे तो हम बहुत खुश थे हेनरी हम बहुत खुश थे सो हैप्पी इतनी ज़्यादा खुश थे हम डेट आई हार्डली हैड ट्राइम टू बी मेजरेबल कि मेरे साथ परेशानी के लिए वक्त नहीं था बिकॉज इट वुड सो सून बी ओअर क्योंकि ये खुशी का वक्त जल्द ख़त्म होने वाला था तो मैं बिल्कुल परेशानी महसूस न करती एंड वेन ही वेंट बैग और जब वह वापस गया फ्रांस को वापस गया टू बी मेजरेबल वेंट बैग आल दो आई क्राइड अ लिटल अगरच मैंने थोड़ा सा रोई दोई थोड़ा सा चिल्लाना मैं मैं चिल्लाई या रोई वेन ही वजेंट लुकिंग जब वह नहीं देख रहा था यानी जब वो मुझे नहीं देख रहा था तो मैं थोड़ा सा रुई उसके रुख्सत होते वक्त आई डिट माइंड सो मच आई ड माइंड मैंने बहुत बो, ज़्यादा बुरा महसूस नहीं किया एज़ आई थाट आई शुड जैसा कि मैंने सोचा कि मुझे महसूस करनी चाहिए थी लेकिन मैंने बहुत बुरा महसूस नहीं किया दूसरे दफ़ा पर बिकॉज आई पोसोवेडेड माई सेल्प टू बिलीव क्योंकि मैंने अपने आप को इस क़बिल किया कि मैं ये यकीन रखूँ, डेट ही वुडेंट बी केल्ड के वह नहीं मारा जाएगा इसी दपा वो नहीं मारा जाएगा वेन ही हैज है सेकंड लीव जब वहन ही हैड है सेकंड लीव जब उसने अपने दूसरा लीव uh, पर आ जाएंगे दूसरे दफा लीव पर आ जाएंगे तो वह मारा हुआ नहीं होगा नहीं मारेगा एंड वॉज अ second सेकंड एंड वॉज अ captain, और जब वह एक कैप्टन भी था यानी जब दूसरे छुट्टी पर वो आता है तो वो कैप्टन था ऑफिसर भी बन गया था तो मैंने सोचा कि नहीं मारेगा इस दफ़ा आई वॉज श्योर देट ही वुड कम होम टू मी क्वाइट सेफ और मुझे यकीन था कि इसी दफ़ा वो घर को बखेर हिफाजत आएगी सही सलामत आएगी इवन ठॉम यहाँ तक कि उसका वाल भी ऑलवेज फेल्ट जो हमेशा ये महसूस करता वी शुड लूज हेम के हम uh, उन्हें खो जाएंगे यानी वह मर जाएंगे जो हमेशा ये महसूस करता था पहले बिगेन टू बिलीव अभी उसने भी यकीन शुरू किया दैट हीट कम होम अगेन कि वो दोबारा घर आएगा बट ही डेड इंट लेकिन वह नहीं आया दूसरे दफ़ा इमिडिएटली वन ही गॉट बैक टू तो प्रेंस फोरन जब वह वापस गया फ्रेंस को वापस गया ही हैड टू गो एंड टू द लाइन तो उन्हें अगले मोर्चों पर जाना था एंड एट डेज लेटर ही वॉज केल्ड जस्ट अब्लिटरेट और आठ दिन बाद वह मारा गया बल्कि बिल्कुल मिठाया गया अब्लेटरेटेड नेस्त नबूद कर दिया गया एज यू से जैसा कि तुमने कहा कि मेरा बम भी ऐसा होगा जो लोग इसे सांस के जरिए से भी लेंगे तो बिल तो ने नबूद हो जाएंगे तो इसी तरह वह भी हो गया बाई मेन ऐसे लोगों की वजह से हु जिन्होंने कभी भी एडी को नहीं देखा था मेरे बेटे को नहीं देखा था हु नो देट देम जिनको ये पता भी नहीं था इन लोगों कि उन्होंने उनको कत्ल कर दिया है हैडी को कत्ल कर दिया है एंड ऑल माई ईयर आई लव एंड होप एंड डिज़ायर एंड पेन गान। और गेरा तमाम उम्र महबत में उम्मीदों में ख्वाहिशों में और दर्दों में गुजर गया उसी ही के बाद नर्स हैम यानी मैंने उनकी तीमारदारी की थी नर्स की थी मैंने उनको पाला था एंड क्यर्ड फॉर हेम और उनका ख्याल रखा था एंड लेटन और उनको छोटे छोटे इसबाक भी पढ़ाए थे एंड बीन प्राउड ऑफ हेम और मैं उस पर बहुत पखर भी करती थी एंड देन इन अ मोमेंट माई ब्यूटिफल सन विटरेटेड और फिर एक ही लम्हे में, में मेरा खूबसूरत बच्चा ख़त्म कर दिया गया ने नाबूद कर दिया गया मतलब अब्लिटरेट कर दिया हो गया हैं थोड़ा सा वक़ा हो जाती है जब वो अपने आप को बहाल करती है यू सी डोंट यू हेनरी हेनरी तुम देखते हो कि आप ये नहीं देखते हैं हेनरी दैट आई कैन टेक अ ब्रॉड व्यू अप देट कि मैं इसके बारे में वसी नुक़ नज़र अख्तियार नहीं कर सकती हूँ आई कैन ओनली सी माई सन्स बडी म्यूटिलेटेड एंड डिस्ट्रॉयड दैट्स आल ओनली आई कैन ओनली सी माई सन बडी मैं अपने जिसम सॉरी मैं अपने बेटे के जिसम को देख सकता हूँ म्यूटिलेटेड जो मशक्शुदा है मसख कर दिया गया है जलाया गया है मतलब एक किस्म गोली में डिस्ट्रॉयड और तबाह कर दिया गया है उनके जिसम को दैट्स आल ये सब कुछ है मेरे लिए और इसके अलावा मैं वसी नुक़ नज़र इख्तियार नहीं कर सकती हूँ i hope dear students that's sign up for today inshallah the next we will discuss the other day i will try to read it again and again and try to share with all your near and dear one and beside these our tenses active passive direct and indirect grammar language all we have uploaded on the uh, channel and their own playlist so if you want to learn any part of speech or language or grammar or tenses so go to the concern playlist and try to watch them over there through a proper sequence because i have given proper order one two three four or uh, two videos and over there you can learn very very well thank you so much for the hafiz